अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ईशान सिद्दीकी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर के इम्पोर्टेंट्स दो टॉपिक्स हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्रैकिंग, ठीक है, और दूसरा है हमारा पॉलीमराइजेशन। ये दो टॉपिक भी एक आ सकते हैं किसी डेफिनेशंस के अंदर, या कि कोई रिएक्शन लिखा हुआ आ सकता है उसमें बताया, उसमें जो है वो लिखा हुआ हो सकता है कि भाई ये क्रैकिंग का रिएक्शन है या फिर पॉलीमराइजेशन है। तो आज ये जरा सीखेंगे क्या क्रैकिंग होता है और क्या पॉलीमराइजेशन होता है। एक हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया है जिसको हम कहते हैं हैवी गैस ऑयल, ठीक है, हैवी गैस ऑयल। अच्छा, अब क्रैकिंग क्या है? क्रैकिंग होती है जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये है कि लंबी लंबी कार्बन की जो चेन होती हैं उनको ब्रेक डाउन करकर, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है हायर टेम्परेचर देकर, सही है, और कैटलिस्ट डाला जाता है, कैटलिस्ट ऐड किया जाता है, जिस तरीके से इसमें कैटलिस्ट ऐड किया गया है रिएक्शन के अंदर, इस तरीके से कैटलिस्ट ऐड किए जाते हैं और कैटलिस्ट ऐड कर उनको ब्रेक डाउन करके छोटी छोटी जो है वो कार्बन चेन्स में तब्दील किया जाता है, तो वो हमारे पास कहलाता है क्रैकिंग, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा है? ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो ज़्यादा चेन है कार्बन की उनको तोड़कर हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी कार्बन की चेन में तकसीम कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? क्रैकिंग, ठीक है। अब ये हमारे पास एक मैंने फार्मूला लिखा हुआ है जो है हमारे पास हैवी, जो है हमारे पास हैवी गैस ऑयल का, हैवी गैस ऑयल का। अब इसको हम लोगों ने 500 to 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया और यहां पर एक कैटलिस्ट ऐड किया गया जिसको हम लोग कहते हैं क्या? ज़ियोलाइट। ज़ियोलाइट कैटलिस्ट ऐड किया गया जिसकी प्रेजेंस में हमारे पास एक हेप्टेन बना, एक हेप्टीन बना, और इसके अलावा मुख्तलिफ मैनी बाय प्रोडक्ट्स यहां पर हमारे पास मिलती हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि एक हैवी कंपाउंड को, हैवी हाइड्रोकार्बन को, हायर नंबर ऑफ कार्बन्स को हम लोगों ने ब्रेक डाउन करके क्या करा, छोटे छोटे जो है वो चेन्स में तकसीम हो गए वो बाय द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर एंड ज़ियोलाइट इज अ कैटलिस्ट, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी यहाँ पर है पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन का जो है वो अगर देखा जाए तो पॉली के मायने होते हैं हमारे पास मैनी, पॉली मीन्स होता है हमारे पास मैनी, ओमराइजेशन का मतलब होता है हमारे पास, अगर यहां पर हम लोग देख लें कि मेरी, चलो ओमराइजेशन ही लिख देते हैं, यूनिट्स, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ मुख्तलिफ यूनिट्स को जो हम लोग मिलाते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बने, मुख्तलिफ यूनिट्स को मिलाकर एक कोई कंपाउंड बने तो वो हमारे पास कहलाता है पॉलीमराइजेशन, मुख्तलिफ मोनोमर्स को मिलाकर। अब मोनोमर्स क्या कहलाते हैं? अब मोनोमर्स देखें, अब यहाँ पर पॉलीमराइजेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एडिशन और दूसरी होती है हमारे पास कंडेंसेशन। अगर एडिशन, एडिशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास मैंने बनाई है ये इथीन, ये मैंने बनाया है इथीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, एन इथीन, एन मोल लिए, मतलब एन का मतलब क्या, इन्फिनिटी में मोल लिए, बहुत ज्यादा मोल लिए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने इथीन के मोल लिए हैं और उसको हम लोगों ने 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया और 100 जो है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर इस पे अप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, ये है हमारे पास पॉली इथीन, पॉली इथाइलीन, ये हमारे पास तब्दील हो गया पॉलीइथाइलीन में। तो ये जो हमारे पास इथीन था ये एक मोनोमर था, मोनोमर, और ये हमारे पास जो है वो क्या बन गया, पॉलीमर बाय द एडिशन, एडिशन ऑफ इथीन, मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास इथीन के मॉलिक्यूल ऐड हुए और वो हमारे पास पॉलीइथाइलीन में तब्दील हो गए। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि मोनोमर्स छोटी चीज से हमारे पास क्या, बड़ी चीज बनी, जब छोटी चीज से बड़ी चीज बन रही है तो पॉलीमराइजेशन कहला रही है और जब बड़ी चीज से छोटी चीज बन रही है तो हमारे पास वो क्रैकिंग कहला रहा है। अब जैसे कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यहां पर मैंने एक फिनॉल लिया है, दो फिनॉल, फिनॉल की यूनिट ली है और मतलब
अगर हम एक बेकलाइट का मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दो फिनॉल के मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। ये दोनों हमारे पास फिनॉल है, और जबकि ये है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, दो फिनॉल्स के मॉलिक्यूल और एक फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बनकर मोनोमर बनकर, दो फिनॉल का मोनोमर और एक फॉर्मल्डिहाइड का मोनोमर मिलकर जो है वो हमारे पास एक बेकलाइट का मॉलिक्यूल बनाता है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पर एन मोल्स ले लें, एन मोल्स ले लें जिसमें हमारे पास दो फिनॉल्स के हों और एक जो है वो फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हो, तो वो हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो बेकलाइट्स के पॉलीमर्स बना देंगे, बहुत ज़्यादा बेकलाइट्स हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बेकलाइट एक कंपाउंड होता है जो कि यूज़ होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो कंडेंसेशन है ना, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है हमारे पास वाटर रिमूव होगा। अब यहाँ पर हमारे पास वाटर रिमूव होता है, सही है। एडिशन में क्या है कि दो कंपाउंड, दो मोनोमर्स ऐड हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक पॉलीमर बन रहा है, सही है, और उसमें कोई वाटर रिमूव नहीं हो रहा, सही है। इसमें जो है हमारे पास कंडेंसेशन में क्या है कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल तो ऐड हो रहे हैं लेकिन साथ के साथ इसमें से वाटर रिमूव हो रहा है। जब वाटर रिमूव हो रहा है तो उसमें एक पॉलीमर बन रहा है जिसका नाम है बेकलाइट। इसी तरीके से अगर कोई एग्जांपल हो, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, बोर्ड में कोई भी एग्जांपल आ सकती है कि जिसके अंदर वाटर रिमूव हो रहा हो और पॉलीमर बन रहा हो। पॉलीमर का मतलब ये है हमारे पास उसके एन मॉलिक्यूल और एन ही प्रोडक्ट में लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब वो पॉलीमर बना है। जब वो पॉलीमर बना है, वो वाटर रिमूव हो रहा है तो वो कंडेंसेशन है, वाटर रिमूव नहीं हो रहा तो वो एडिशन पॉलीमराइजेशन है। और अगर कोई बड़ी चेन, बड़े हाइड्रोकार्बन हमारे ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो वो हमारे पास क्रैकिंग है, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स अगर करें, अगर कोई कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट्स करें और दूसरे लोगों तक मेरी वीडियो तक पहुँचाएँ।